नमस्कार, मैं हूं आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा और आज मैं बहुत ही अच्छी जगह घूमने जा रहा हूं। आप बस ये मेरा पूरा शो देखते रहो। मेट्रो के रफ्तार में दौड़ती हुई दिल्ली, जहां पर शिक्षा मात्र एक व्यापार बन के रह गई है, लेकिन यहां पर मुझे एक स्कूल ऐसा भी दिखा जहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आसियाने तो झुग्गी और झोपड़ियों में हैं और उनके पढ़ाने वाले शिक्षकों का उद्देश्य मात्र शिक्षा देना है। आइए मैं मिलता हूँ फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज के संस्थापक श्री राजेश कुमार शर्मा और उनके सभी साथियों से। मेरे साथ हैं फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज के संस्थापक श्री राजेश कुमार शर्मा जी। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत कैसे करी। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं जो है आज हाथरस जिले में पहुंच गया हूँ। पहले मैं अलीगढ़ जिला में था। अच्छा। वहाँ पर एक सिकंदर राव है शहर, उसके पास में जुरौली कला गाँव है, वहाँ से। सर, ये कितने साल पहले आप दिल्ली में आया और इसकी शुरुआत आपने करने को सोची और क्यों सोची? सन 1991 में मैं दिल्ली आया था और सन 2006-08 में यहाँ पर जो है मैंने जो है स्कूल को ये चालू किया था। तो क्यों, मतलब क्या सोच के किया था, मतलब कैसे, इसके प्रेरणा कहाँ से जगी? देखिए, पीछे से स्टोरी ये है कि मेरी खुद की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो वो चीज़ मेरे अंदर जो कमी महसूस हो रही थी, तो उस चीज़ को जो है मैं समझता था, जिस बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो वो बाद में जा कर के एक बहुत ही मायूस होता है जाकर के। तो हमारा जो कॉलेज वगैरह का सफ़र जो पूरा नहीं हो पाया। गौरीशंकर इंटर कॉलेज सिकंदर राव से मैंने इंटर किया था, उसके बाद कोशिश करी कुलचंद बांग्ला कॉलेज से, वहाँ पर भी 91 में जो है मैंने पेपर दिया था, लेकिन फिर मैं जब दिल्ली यहाँ पर आ गया तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आपने शुरू में इसकी शुरुआत करी थी, जब भी आपने 1991 में, तो कितने बच्चे आपके सबसे पहले क्लास में? सबसे पहले मैं एक पेड़ के नीचे दो बच्चों से लेकर के इस काम को शुरू किया था। अच्छा, और अभी इस समय पर 300 बच्चे हैं मेरे पास में। और ऐसा मेरे रिसर्च में आया है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पा चुके हैं ड्यू टू आपके गाइडेंस की वजह से। देखिए, वो बच्चे पढ़ करके अगर आगे नहीं जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम करने का ही तरीका बेकार है। और यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे स्टार्टिंग के थे वो कॉलेजों में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि जैसे अभी आपने इस स्कूल को बहुत अच्छा सेटल कर लिया है, बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया है, तो अब तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते भी होंगे और मतलब इसका विकास भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपने इसका विस्तार करने का नहीं सोचा कि जैसे कोई आपसे जुड़े, आप उनको कहो कि ज़रूरी नहीं आप यहीं पर करो, कहीं और इसकी शुरुआत कर लो? विस्तार तो इसका हो रहा है, वो तो सामने आपको दिख रहा है। दो बच्चे जिस जगह पे हों, अरे आज जो है 300 बच्चे हैं और बच्चे पढ़ करके स्कूलों में भी जा रहे हैं, तो ये विस्तार ही है। दूसरा, रही बात ऐसी कि एनजीओ सोसाइटी बना करके तब इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर किया जाता है, लेकिन हम जो है फ्लाई ओवर के नीचे स्कूल को चला रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइम पर दिल्ली गवर्नमेंट या मेट्रो गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो बंद किया जा सकता है, तो इस तरीके का स्टेप हम नहीं उठा सकते हैं। तो इसका एनजीओ सोसाइटी वगैरह होता तो इसके लिए फंड भी काफ़ी आ रहा होता और स्कूल एक और भी का नाम उड़ान भर रहा होता, लेकिन समथिंग बेटर देन, अगर इतना ही काम हो रहा है तो उतना ही ठीक है। नहीं, अगर कोई इसकी शाखा खोलना चाहे आपके हिसाब से, आपसे जुड़ के इसके माध्यम से कोई इसकी शाखाएं खोलना चाहे अपने शहर में, तो आपसे कैसे संपर्क करें? बोल सकता है, हमारा फ़ोन नंबर वगैरह भी है, लोग जो है काफ़ी इसको जो है जानते हैं, तो फ़ोन नंबर के से वेबसाइट से आजकल तो मीडिया जो है दिखा रही है। और आप लोग हमारे पास में कैसे आ गए, आपने भी तो ढूंढ करके ही आए हो, तो इसी तरीके से ये तो खुशबू है, फैल रही है, तो सबको जो है पसंद आ रही है। मतलब ये है कि अगर आप भी अपने अपने शहर में कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ में ये जानकारी भी ली है और काफ़ी स्कूल इसके बेस पे खुले भी हैं, दो दो बच्चों से ही स्टार्ट करके उन लोगों ने भी एक एम्पायर खड़ा कर रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, आइए उनसे भी बातें करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम है आपका? काजल जैन। एंड आपका? अंकिता। तो मैम, आप फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में कब कब आती हैं? जैसे आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कैसे मन कर गया आपका कि हम आए यहाँ पे पढ़ाने का? मेरा फ्रेंड आता है केशव। अच्छा। तो मैंने मतलब उसकी वीडियोस वगैरह देखती थी मैं स्नैपचैट पे, तो मैंने उसको बोला था कि तू अब की बार जाएगा तो मेरे को लेकर आएगा। कैसा फील हो रहा है बच्चों को पढ़ाते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को टीच कर रही हूं। मुझे तो वैसे भी हिंदी पढ़ना और पढ़ाना इतना पसंद है और इन्होंने
बनाते बोलते हिंदी पढ़ा दो तो आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। कुछ मैडम लोग भी अपना सहयोग देती हैं, आइए उनसे भी बातें करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? रेखा। मैम आपको कैसा लगता है फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ ज्ञान दिया जाता है, मुझसे कुछ हो सके तो मैं वो करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा। आइए कुछ और साथी शिक्षकों से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हमारा नाम श्याम महतो है। अच्छा, सर कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ा के? हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? यहाँ से मैं 6-7 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, क्या सोच के जुड़े थे सर, मतलब कैसे? मैं तो इन बच्चों के साथ पहले रहता भी था और इन बच्चों के माता पिता और इन बच्चों की सेवा करने के लिए जो है मैं तत्पर रहता हूँ और हमें इनका सेवा करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं हमेशा के लिए जो है हमने संकल्प ले लिया है कि जब तक हमारा विद्यालय रहेगा अस्थायी रूप से जो है हम इन बच्चों की सेवा करते रहेंगे और हम तो हमेशा ये भी ऊपर वाले से कामना करते रहो कि हमारा जीवन ईश्वर जो है लंबा दें और हम हमेशा जो इन बच्चों की सेवा करता रहूं। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। अच्छा बेटा, किस क्लास में हो आप यहाँ पे? 6। अच्छा आप ये बताओ, आप यहाँ पे पढ़ती हो तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर के बारे में क्या कहना चाहूँगी जो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं और सिखाते भी हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो स्कूल है मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे खाने पीने को भी मिलता है और मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो कैसे खाने पीने का कैसे मतलब? यहाँ तो पूरा मिलता है, खाना मिलता है और अच्छी पढ़ाई होती है। सर जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा ब्लैक बोर्ड बनाया गया है इस ब्रिज के नीचे, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे यहाँ पे पेंटिंग वगैरह है, ये सर कैसे, इसका मतलब इसके लिए कहाँ से आया सब कुछ? ये पहले ये यहाँ पर खाली 2 बोर्ड होते थे। अच्छा। वो भी हमने बिना अनुमति के पेंट कर रखा था। अच्छा। जब ये यहाँ पर स्कूल चलने लगा तो यहाँ पर मेट्रो के अधिकारी लोग आए, उन्होंने देखा तो कि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, तो उन लोगों ने खुद ही आकर के यहाँ पर 5 बोर्डों का निर्माण किया। उसके बाद में दिल्ली स्वीट आर्ट्स वाले आए, उन्होंने जो है इस स्कूल का पेंट किया है। तो सर मुझे तो यहाँ पे आके मतलब फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में आके इसको एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। TV13 इंडिया की तरफ से मैं आपके पास आया, सर आपको कैसा लगा? देखिए हमारे को आप लोग मीडिया वाले आए हो तो बहुत अच्छा लगा कि क्या नाम है, ये खुशबू जो है काफ़ी दूर दूर तक पहुँच रही है। जब भी लोग जो है टीवी वाले हमारे स्कूल को देखने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए टीवी वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज के संचालकों में एक बहुत बड़ा नाम श्री लक्ष्मी चंद सर का भी है, आइए हम उनसे बातें करते हैं। सर आप ये बताइए, फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में जो आप पढ़ाते हैं आपको कैसा लगता है? हमको इस बात के लिए अच्छा लगता है कि गरीब बच्चे का कल्याण हो रहा है। अच्छा। हमारे माता पिता भी खेतिहर मजदूर थे, होमलेस पर्सन थे, उस वातावरण में मैंने शिक्षा ग्रहण किया और मैंने गरीब बच्चों के प्रति सहानुभूति तब से शुरू किया जब हमको कोई आत्म नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, तो उस हालत में मैंने गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1980 से लेकर के अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो आज आपने देखा फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज की कहानी और मैं चाहता हूँ कि भारत में प्रत्येक शहर में हर जगह पे एक ऐसा स्कूल जरूर खुले ताकि बहुत लोगों को शिक्षा मिल सके। मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके आसपास भी कुछ भी हो ऐसा खास जिसमें हो कुछ अनोखी बात तो हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप या हमारे मेल पे, हम आपके पास आएंगे और जानेंगे उस अनोखी चीज के बारे में रोचक तथ्य। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।